हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर देशवासी को घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस कुछ खास अंदाज में मनाने का फैसला किया है। इस बार केंद्र सरकार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और इस बार 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है। दरअसल सरकार देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आयोजन 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान को इसी महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके लॉन्च होने के बाद देश में हर घर से तिरंगा फहराने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया जाएगा। ये अभियान अपने तिरंगे की आन बान और शान को समर्पित होगा। ये हर एक देशवासी को देश निर्माण में उसके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता व जज्बे को दिखाने का एक मौका होगा। गौरतलब है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो मौके होते हैं जब हर जगह तिरंगा दिखता है। हर कोई अपने घरों और गाड़ियों पर तिरंगा लगाए घूमता है। इस बार सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के झंडे को लेकर भी कानून है, कार पर झंडा लगाने को लेकर भी नियम है। भारतीय झंडा संहिता के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश झंडा लगा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।